नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। सोशल मीडिया आज के दौर पर जिस तरह से एक इंसान को, व्यक्ति को अपना जीवन साझा करने का एक माध्यम देता है, वही सोशल मीडिया या माध्यम कभी कभी किसी की जुर्म का, किसी की मौत का कारण भी बन जाता है। आज की हमारी कहानी भी इसी कहावत को बयां करती है। कहानी है गुजरात के भावनगर की एक लड़के की, जिसका नाम राम भट्ट, उम्र करीब 19 साल और 12वीं क्लास में पढ़ाई करता था। 8 फरवरी की बात है, रात 10:30 बजे राम भट्ट अपने घर से कहकर निकलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले पर बाहर जा रहा है और 1 घंटे के बाद घर वापस लौट आएगा, और ऐसा बोलकर राम भट्ट अपनी बाइक उठाकर निकल जाता है। लेकिन 2 घंटे बीत जाते हैं, 10:30 बजे राम भट्ट निकला था, 12:30 बज चुके थे। तब उसकी माँ, जिनका नाम है आशा भट्ट, वो अपने बेटे को फ़ोन लगाकर पूछती हैं कि बेटा 12:30 बज गए हैं, तुम अभी तक वापस नहीं आए। तब राम फ़ोन उठाकर बोलता है कि माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और बस 1/2 घंटे पर घर वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर फ़ोन रख देता है। माँ भी संतुष्ट हो जाती है, लेकिन माँ इंतज़ार करती रहती है, क्योंकि माँ माँ होती है। इस तरह पूरी रात इंतज़ार करती रहती है उसकी माँ, उसका पूरा परिवार, लेकिन राम भट्ट नहीं आता है। अब उसका परिवार सुबह उठकर नात रिश्तेदारों को, उसके जानने वाले दोस्तों से संपर्क करती है, लेकिन राम भट्ट का कहीं भी पता नहीं चलता है। तब वो आसपास के इलाके में जाकर पूछताछ करती है कि राम भट्ट को किसी ने देखा हो, शायद कहीं पर होगा या किसी के दोस्तों के घर में रुका होगा, लेकिन छानबीन कर लेती हैं। हार थक कर वो आखिरकार पास के ही एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती हैं। जब पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है तो पूछताछ करती है, तब वो बताती हैं कि 8 फरवरी को बेटा ऐसा बोलकर गया था, लेकिन करीब 12 घंटे बीतने आ रहे हैं और अभी तक राम का कुछ पता नहीं है। तब पुलिस उनकी रिपोर्ट और उनके बयान दर्ज करके उनको घर जाने के लिए कहती है, साथ ही संतावना भी देती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर हैरान थी एक नौजवान युवक की इस तरह से गुमशुदगी होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक टास्क था। और पुलिस जाते जाते उनके परिवार से बोलती है कि आप अपने लेवल पर भी राम को ढूंढने की कोशिश करिएगा, यदि हम तक कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। इतना कहकर उनके परिवार को घर भेज देती है। अब पुलिस इस केस की तफ्तीश करना शुरू करती है। कुछ देर बीते ही थे रिपोर्ट दर्ज किए हुए कि तभी अचानक से एक फ़ोन आता है और पुलिस को जानकारी दी जाती है कि एक पास के ही नज़दीकी इलाके में एक पुल है जहां पर एक लावारिस गाड़ी खड़ी हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस गाड़ी को देखकर पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी पर राम भट्ट बैठ कर पिछली रात अपने घर से निकला था। अब पुलिस के मन में कहीं ना कहीं कई शक्कों और सवालों को जन्म दे रहे था, क्योंकि राम भट्ट की गाड़ी एक पुल के ऊपर इस तरह से लावारिस पड़ी हुई थी और राम अभी तक गायब था। अब पुलिस आसपास पुल के छानबीन करना, तलाशी करना शुरू करती है। तब वो तलाशी कर ही रही थी, तब एक पुलिस ऑफिसर पुल के नीचे झांक कर देखता है तो देखता है कि पुल के नीचे पानी के ऊपर एक लाश तैर रही थी। पुलिस तुरंत नीचे जाती है, उस लाश को आइडेंटिफाई और रिकवर करती है, और पुलिस को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। वो लाश राम भट्ट की थी जो पिछली रात से अपने घर से गायब था। अब पुलिस के लिए ये हैरान करने वाला था कि राम भट्ट की एक लाश मिली और कई शक्कों और सवालों को पुलिस को जन्म दे रही थी। लेकिन अब पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था कि राम भट्ट की मौत के पीछे की सच्चाई को पता करना था, और दूसरी चुनौती उनके परिवार के लोगों को इस बात की इत्तला देना था। पुलिस लेकिन अपने मन को मारकर उसके परिवार को पूरी जानकारी देती है और साथ ही साथ कुछ बयान दर्ज करती है। अब पुलिस राम भट्ट की मौत का मोटिव जानने की कोशिश करती है। इसी बीच होता यह है कि इसी पुलिस स्टेशन पर कुछ देर बाद एक नौजवान युवक पहुँचता है जिसका नाम सनी त्रिवेदी, उम्र करीब 19 साल, और आकर अपने एक गुम हुए फ़ोन की रिपोर्ट दर्ज कराता है और बताता है कि उसका फ़ोन पिछली रात उसी पुल के पास पर गुम हो चुका है और अब वो स्विच ऑफ है।
और अभी तक उसे फोन नहीं मिला है, इतना बयान में लिखवाता है और अपनी एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। तब पुलिस बोलती है कि ठीक है, यदि तुम्हारे फोन की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। इतना कहकर वो सनी त्रिवेदी नाम का नौजवान युवक रिपोर्ट लिखाकर उस थाने से निकल जाता है। अब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं राम भट्ट का मामला ही संगीन था और उस पर वो सीरियस थी, तो अभी उसकी ही तलाश कर रही थी। और राम भट्ट के मोबाइल की लोकेशन, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, उसका मोबाइल भी वहाँ से बरामद नहीं हुआ था, तो उसकी CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है और चेक करती है कि आखिर जिस रात राम भट्ट अपने घर से निकला था उस दरमियान किन किन लोगों से उसकी मोबाइल पर बातें हुई थी और किस से वो ज़्यादा अधिकतर मोबाइल पर टच पर रहता था। तब मोबाइल की पूरी रिकॉर्ड निकालते टाइम एक नंबर संदिग्ध मिलता है, जो उस वक्त रात 10:30-11 बजे भी उस टाइम पे राम भट्ट की उस नंबर पर बात हुई थी। जब उस नंबर का पूरा नाम पता निकालती है तो पुलिस भी ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये वही सनी त्रिवेदी का नंबर है जो कुछ देर पहले इसी थाने पर अपने गुम हुए मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया था। अब पुलिस को ये देखकर पुलिस का माथा और ठनक जाता है। तब पुलिस राम भट्ट के परिवार को बुलाकर और उनसे गहरी पूछताछ करती है, उसके दोस्तों और जानने वालों का पता करती है। तब उसकी माँ आशा भट्ट बताती हैं कि जब पिछली रात उसकी राम भट्ट से बात हुई थी तो उसने बोला था कि वो अपने साथी दो फ्रेंड जिनका नाम सनी त्रिवेदी और चेतन बघेला है, उनके साथ किसी काम के सिलसिले पर गया है। जब इतना सुनती है पुलिस तो पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है और पुलिस लोकेशन के बेसिस पर, उस नंबर के बेसिस पर चेतन बघेला और सनी त्रिवेदी को उठाकर पूछताछ करती है, क्योंकि ये दो क्लू कहीं ना कहीं पुलिस को संदिग्ध लग रहे थे। अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो पहले तो वो स्टेटमेंट बदलते हैं और इस बात से इनकार करते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिसिया तरीके से पूछताछ करती है तो दोनों के मुंह खुल जाते हैं। अब ये दोनों युवक भी 19-20 साल के थे और दोनों एक भावनगर के प्राइवेट क्लिनिक पर काम किया करते थे और अच्छे फ्रेंड भी थे राम के, लेकिन तब वो अपना मुंह खोलते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ये दोस्ती के नाम पर क्या कर बैठे। वो बताते हैं कि पिछली रात उस पुल पर राम भट्ट को बुलाकर उन दोनों ने राम का गला घोटकर मार दिया और उस पुल के नीचे उसकी लाश को फेंक दिया था, क्योंकि वहाँ पर सुनसान 10:30-11 बज रहे थे तो उस पुल के आसपास कोई आवाजाही नहीं थी, तो इत्तेफाक से किसी ने देखा नहीं और ये लोग वहाँ से आ गए। और इसी बीच जब राम को ये लोग मार रहे थे तो वो कहीं ना कहीं अपना विरोध कर रहा था, तो सनी का मोबाइल भी वहाँ पर गिर गया था जिसकी वो रिपोर्ट लिखाने आया था। अब पुलिस इतना तो समझ गई थी, मुलजिम ने अपना जुल्म कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के मन में, आपके मन पर भी ये सवाल होगा कि आखिरकार अपने दोस्त को ही सनी और चेतन ने क्यों मारा। जब पुलिस इस बात की जानकारी उन मुलजिमों से लेती है तो पुलिस को दूसरी बात हैरान करती है, वो ये थी कि यहाँ पर एक नए किरदार की एंट्री होती है और जो वजह आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्या ये भी कोई वजह हो सकती है, किसी की मौत का कारण भी बन सकती है। जब दोनों मुलजिम अपना पूरा मुंह खोलते हैं और अपना जुल्म कबूल करते हुए बताते हैं कि राम भट्ट को दरअसल उन्होंने एक हैक के राज के फास के कारण मारना पड़ा। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस और पूछताछ करती है, तब वो एक तीसरे शख्स का नाम बताते हैं जिसका नाम अकेल मकवाना। दरअसल हुआ ये था कि अकेल मकवाना, जो सनी त्रिवेदी, चेतन बघेला और राम, ये सारे कॉमन फ्रेंड थे और अकेल मकवाना का एक स्नैपचैट अकाउंट हुआ करता था 1 Fine Day के नाम से और उसमें बहुत सारे फॉलोवर भी थे। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं नौजवान युवक और सोशल मीडिया से उनका लगाव, ये किसी से छुपा नहीं है और इस तरह वो अपने सोशल मीडिया में स्नैपचैट अकाउंट पर बहुत एक्टिव रहता था और उसके फॉलोवर भी थे। और इसी बीच इस बात की जानकारी सनी को भी थी, लेकिन एक रोज अकेल मकवाना का स्नैपचैट अकाउंट
हैक हो जाता है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। और वो अक्सर राम भट्ट से ये बात बताता रहता था कि उसको हैक हुए अपने अकाउंट को वापस लाना है। तभी अचानक राम भट्ट को पता चलता है कि जो अकिल मकवाना का स्नैपचैट अकाउंट हैक हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही दोस्त सनी त्रिवेदी ने किया था। और सनी त्रिवेदी के बारे में जब राम भट्ट अकिल मकवाना को बताता है और उसको लेकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर अकिल मकवाना, सनी त्रिवेदी और राम भट्ट के बीच कहा सुनी होती है। इस कहानी के बाद, इस एपिसोड के बाद सनी त्रिवेदी के मन में कहीं ना कहीं गुस्सा बैठ जाता है। अकिल मकवाना को लेकर वो जाहिर है गुस्सा था ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा या नाराज वो राम भट्ट से हो जाता है, क्योंकि उसने उसके राज के बारे में अकिल मकवाना से बता दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए वो अपने एक साथी जिसका नाम चेतन बघेला, उसको लेकर एक प्लानिंग करता है, क्योंकि उसने उसके हैक किए अकाउंट का राज खोला है तो राम भट्ट को मौत के घाट उतार देंगे। इस प्रकार 8 फरवरी को राम भट्ट को चेतन बघेला और सनी त्रिवेदी पुल के पास बुलाते हैं और वहाँ पर गला घोटकर उसकी हत्या करके पुल के नीचे उसकी लाश को फेंक देते हैं। जब पुलिस उनके बयान को सुनती है तो पुलिस और उसके घर वाले भी सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्या कोई इस वजह से भी किसी को मौत के घाट उतार सकता है, एक अकाउंट जिसके लिए चार चार जिंदगियां बर्बाद हो गईं। और उसी छीना झपटी पर सनी त्रिवेदी का मोबाइल भी उसी पुल पर गिर गया था, जिसके बाद वो घर आता है तो मोबाइल देखता है तो उसका मोबाइल नहीं था। उसी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो दूसरे दिन उस पुलिस स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन वही क्लू या लीड कहें पुलिस के लिए वरदान साबित हुई और आखिरकार इस मौत का खुलासा हो गया। तो आज की ये है कहानी हमारी, जिसमें एक छोटे से अकाउंट के चलते चार चार जिंदगियां बर्बाद हो गईं। राम भट्ट जो एक घर का चिराग आज इस दुनिया में नहीं रहा, और साथ ही साथ एक 19 साल के 3 युवक जो अब जेल की सजा काटने पर मजबूर हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने साथी लोगों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली ऐसी नई कहानी लेकर नए दिन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।